उत्तराखंड प्रदेश को रुड़की मा छौ हामी यहाँहरुलाई भारत को सबैभन्दा पुरानो प्रौद्योगिकी क्षेत्र कलेज यही भन्यो आईआईटी रुड़की सबैभन्दा पुरानो आईआईटी हो ल यहाँहरु हेर्न सक्नुहुन्छ रुड़की उत्तराखण्डमा पर्यो हैन हरिद्वारमा कहाँ पर्यो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार जिल्ला हो यो हो र रुड़की जिल्ला अलग होइन ए हो र रुड ए हरिद्वार जिल्ला धेरै ठुलो रहेछ जिल्ला अधिकारीले धौधो पट्टे रहेछ डिएम अलग अलग छन् डिएम यहाँको अलग छ उहाँको अलग छ सबै सबै निको पढाइ हुन्छ हरिद्वार देहरादुनले निको पढाएको मामु सस्तो र निको निको रुड़कीमा पनि धेरै नेपालतिर पनि पढ्छ चौक आयो यहाँको मेन चौक आर्मी इलाका पनि होइन यहाँको आर्मी क्यान्ट आर्मी हो मेन त्यो आर्मी नदी गङ्गा नदी रुड्कीसम्म आएको छ यो कलाउ नै आयो होइन अब छाउनी रुड्की छाउनी हामीसँग रुड्की निवासी श्री दीपक भाइजी हुनुहुन्छ हामीसँग उहाँसँगै हामी रुड्कीको अवलोकन गर्दैछौँ मेरठ दिल्ली 173 किलोमीटर मेरठ 107 हरिद्वार 32 किलोमीटर रहेछ यो के भयो यो द्वार आर्मीको गेट यो तमिया थियो आइत आर्मीको यो दिल्लीजाने बाटो सिधा ए हाइवे टच हुने भयो बाइपास हाइवे हो होइन ए बाइपासमा पुग्छ भयो आर्मी हस्पिटल मिलिट्री हस्पिटल रुड़की संगीन शक्ति द्वार आर्मी को नाका रिटायर आर्मी रिटायर दुर्गा कलोनी जे ब्लॉक क्या इसका क्या वीडियो बनाऊंगी बेकार की नहीं नहीं लुक्कड़ लुक्कड़ का ले रहा था उसी के जोड़ दे रहा था
बड़े मोड़ है। सबसे सेठ कॉलोनी है ये रुड़की की। सारे घर के दो दो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, एक आर्मी रिटायर्ड है, दो ही आर्मी में काम करते हैं, लेकिन रिचड़ है सबसे सारे। दुर्गा कॉलोनी हम मतलब दुर्गा कॉलोनी पड़न से और को कॉलोनी दुर्गा कॉलोनी पूरा एरिया दुर्गा कॉलोनी। हरिद्वार में जो जमीन मिल रहा है थी भीतर से कि बाहर बाहर था? नहीं नहीं पूरा रोड ही हरिद्वार में नहीं घुसे। हाँ हरिद्वार में नहीं घुसे आप एकदम भीतर ही एकदम बाहर था। बहुत महंगे पड़ गए बाहर तो धेरे महंगे पड़ गए थकी नहीं नहीं बाहर उठे वहाँ होने का तो मैं भेटा है उन लाइफ हो जाने पे भेटा ले सोचे कि भी हाथ माले पड़ दी दी जाने। जय नारायण। पंखा वही रह गया घर में पंखा आ जाएगा जब बल्ब लगाने वाला आएगा तो। हाँ तो ऐसे ही बढ़िया है।